शहीद बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा कराची में बेहतरीन जॉब्स आई हैं जिनका ताल्लुक मेडिकल की फील्ड के साथ है, फिर वो उन्होंने मेडिकल में नर्सिंग किया हुआ है या कोई और भी डिप्लोमा किया हुआ है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन चांसेस हैं इसमें। और ये हाईली पेड जॉब्स हैं, मेडिकल अलाउंस इसमें है और भी दूसरे अलाउंसेस इसमें मिलते हैं, तो इसमें लाजमी अप्लाई करें। कंप्लीट वीडियो को लाजमी देखें, इसमें बताया गया है कि किस तरह से आपने फॉर्म फिल करना है और एप्लीकेशन कहाँ भेजनी है। इससे पहले भी जिना मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में भी जॉब्स आई थी या PHI की जॉब्स भी आई हैं, उसकी भी तफसील इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। और भी हमारी वीडियोज़ हैं, तो इसकी आखिरी तारीख 20 जून 2022 रात 12 बजे तक आप कराची इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा कराची की वेबसाइट पर जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करा के अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा कराची में आसामियां आई हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मेडिकल की जो फील्ड से ताल्लुक रखते हैं लोग उनको हायर किया जाएगा, जिसमें एमरजेंसी फिजिशियन है, जूनियर ओरल एंड सर्जिकल कंसल्टेंट है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर है, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर ICU एनेस्थीसिया, रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर रेडियोलॉजी, सीनियर मेडिकल ऑफिसर फिलोप्लास्टिक सर्जरी, मैनेजर सेक्रेटेरिएट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्टी मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट, असिस्टेंट मैनेजर डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, सीनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर क्वालिटी इंश्योरेंस एसोसिएट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर फार्मिस्ट, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएट, कार्डिक सर्जरी टेक्नीशियन, फार्मिस्ट, स्टेटिस्टिकल ऑफिसर, नर्स रिसर्चर और कैथ लैब अटेंडेंट, इनकी जॉब्स आई हुई हैं। इसके आगे इसकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है और उम्र मैक्सिमम, और ये सिंध के डोमिसाइल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिंध, पूरे सिंध से जवानों के लिए ये बेहतरीन मौका है। तमाम उम्मीदवार 20 जून तक शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रामा कराची की वेबसाइट पर जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कराएंगे और फॉर्म फिल करने के बाद आप अपना जो दरख्वास्त नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो नोट कर लेंगे। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर आपको हायर किया जाएगा और जो पहले ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, बाकी वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें मज़ीद डिटेल जो है वो आपको मिलेगी कि आपने ये इसमें कागजात भेजने भी हैं या नहीं। एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ और उसमें ये एडवर्टाइजमेंट जो है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा कराची की तरफ से है। इसके अलावा जॉब्स भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में जॉब्स हैं, PHI में जॉब्स हैं, उनमें भी आप अप्लाई करें। फिलवक्त इतना ही, थैंक यू। सिर्फ पोस्ट्स के ऊपर ये जॉब्स हैं और एक जॉब भी अगर आप कंसीडर करें कि ये इसमें 5 से 10 जॉब्स होंगी तो ये देख लें कि कितनी 1000 से ज़्यादा जॉब्स ये बन जाती हैं। डायरेक्ट नौकरियां हैं, ये डायरेक्ट इंटरव्यू होगा इसका, कोई भी टेस्ट नहीं होगा और हाईली पेड इसमें सैलरी होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली में वॉक इन इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। नर्सिंग स्कूल लाहौर में जॉब्स आई हुई हैं, नायब कासिद, बेरर, चौकीदार, क्लीनर, कुक, मसालची, स्वीपर या सैनिटरी वर्कर की। हेल्थ डिपार्टमेंट की अभी तक जितनी जॉब्स आई हैं इस मंथ में वो ये उन सबसे बेहतरीन जॉब्स हैं और हाईली पेड सैलरीज हैं। बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट चल रही हैं कि FIA में जॉब्स आई हैं, सब इंस्पेक्टर की, ASI की, तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या वो पोस्ट आ गई हैं या अगर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज चिन्योट में स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर ऑडिटर, जूनियर क्लर्क, इमाम मस्जिद, टेलीफोन ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, बावर्ची, माली, नायब कासिद, चौकीदार, खादिम, मौजिन, खापरूब या सैनिटरी वर्कर की नौकरियां आई हैं। बेहतरीन नौकरी है असिस्टेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूएशन ऑफिसर की, इसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा होती है और ये पाकिस्तान के फेडरल इदारे में मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में है, इसके लिए लाजमी अप्लाई करें। इसी के साथ साथ नेशनल प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर जो कि PPS 11 का है, इसकी भी जॉब है। इससे पहले वापडा में इतनी अच्छी जॉब्स कभी नहीं आई। ये असिस्टेंट डायरेक्टर HR एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी बहुत ज़्यादा वैकेंसियां हैं और जो है
इसमें और भी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल लिटिगेशन असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफिसर अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है।